पानी पानी। अबे इतनी देर पानी में रहकर तेरा जी नहीं भरा क्या? अब भी पानी पानी क्यों कर रहा है? मेरा गला सूख गया है, बहुत प्यास लगी है यार। हाँ इतना सारा पानी है पीना? अरे ये पानी पिया जा सकता है? छे तो क्या तुझे मिनरल वाटर लाके दूं? वाटर ही तो मांग रहा हूँ, वाटर थोड़ी ही मांग रहा हूँ। हम मरते मरते बचे, इस बात का शुक्र मना साले। अरे कौन सा घर पहुँच गए जो शुक्र मनाऊं? अच्छा हरी और अपने सब साथी कहाँ होंगे? पता नहीं, जिस तरह हम बच गए भगवान करे वो भी बच जाए। मेरी माँ हमेशा कहती थी धरती पर ही रहे, आसमान में उड़ने का ख्वाब मत देख। मैंने सुना नहीं, अब देख क्या होगा। अपनी माँ की बात सुनकर तू घर पर ही बैठा रहता तो ये नजारा कैसे देख पाता? जरा उधर तो देख। ये क्या, दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है यार। सुनामी में फंसे लोगों को बचाने के लिए हम निकले थे, शायद यहाँ भी सुनामी आया होगा। वैसे तुझे क्या लगता है, कहीं ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो नहीं है? छे छे, अंडमान हो या अंडरवियर हो हमें क्या लेना देना। हाँ। बहुत भूख लगी है यार, चल थोड़ी पेट पूजा करते हैं। हाँ, वहाँ अंदर हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा और स्वागत के लिए लोग बैठे होंगे एक दूंगा कान के नीचे। हे भगवान कृष्ण मुरारी, वो यहाँ आकर तेरी मदद नहीं करने वाले। सैनिकों, समुद्र से पिशाच आ रहे हैं, हमें हर हाल में उन्हें आने से रोकना होगा। वो आ गए तो बामनपुरी का सर्वनाश हो जाएगा, वो जहाँ भी दिखे उन्हें खत्म कर देना। यहाँ मत आओ, वापस चले जाओ, अगर यहाँ पैर रखा तो अपने प्राण खोदोगे। वो लोग तो आगे बढ़ते ही आ रहे, शायद वो किसी मकसद से आ रहे। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ पर पैर रखा तो यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। हाँ, ए चंदू वहाँ देख, सब बौने लोग हैं यार, यहाँ से वापस चले जाओ। ये वो देखो अपने गौतम और मोहम्मद, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपने प्राण खो बैठोगे। गौतम, वो हमसे ही बात कर रहे हैं। मोहम्मद तुम बात करो। हेलो, हमारी बात सुनिए, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समुद्र में गिर गया, हमें बचाइए। बचाइए, उनकी बात मत मानिए, ये उन पिशाचों की कोई चाल है। ए, यदि जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। हिंदी बोल रहे हैं, मतलब हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं। हाँ, हिंदी बोल रहा है, ये कौन सा आइलैंड है पता है क्या? मैप नहीं, मैं उनसे पूछ कर आऊँ क्या? मैप क्या, मुंह तोड़ दूंगा, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। तू उनसे जाकर पूछेगा क्या? उस साले बटले ने क्या कहा सुना नहीं? वो मोहम्मद और गौतम को पिशाच कह रहे हैं। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा यकीन कीजिए, हम 3 दिन से आइलैंड ढूंढ रहे हैं और थोड़ी देर पानी में रहे तो मर जाएंगे, हमारा यकीन कीजिए। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हम पिशाच नहीं है, आपकी तरह साधारण मनुष्य हैं। अगर तुम लोगों के कदम यहाँ पर पड़े तो हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, वापस चले जाओ यहाँ से। हम वापस नहीं जा सकते, हमारी मदद कीजिए, वापस जाने का रास्ता नहीं पता, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। नहीं जोसेफ, मत जाओ, उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार डालेंगे। सैनी को इन पिशाचों को बांधकर ऊपर लटका दो, यदि दूसरे पिशाच यहाँ आएंगे तो उनके लिए सबक होगा। तीन सैनिक यहीं पर पहरा देंगे, और भी पिशाच आ सकते हैं, आए तो उन्हें भी मारकर इनके साथ लटका देना, बाकी सैनिक मेरे साथ चलो। हमारे गौतम और मोहम्मद को कितनी बेरहमी से हमारी आंखों के सामने मार, ऐसी भयानक मौत मरने के लिए बेचारे इतनी मुश्किल से यहाँ आए थे क्या?
भगवान का शुक्र मानो कि हम उनके हाथ नहीं लगे, नहीं तो वो हमें भी मारकर उल्टा लटका देते। रमेश भाई, ये क्या? मोहम्मद, गौतम, हम उन्हें नहीं बचा सके। यहाँ सब बौने लोग रहते हैं, उन्होंने हमारे दोस्तों की जान ले ली। अरे लगता है वो लोग फिर आ रहे हैं। चलो यहाँ से। चंदू, चल, आ जल्दी, चल जल्दी, भागो, जल्दी कर।